हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक छोटा सा कहानी है जो क्रोध मैनेजमेंट पर है, एंगर मैनेजमेंट पर है। आप कृपया कर इसे सुनें और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले इस चैनल से, आप लोग की मदद से। कहानी इस प्रकार है कि एक 7 वर्षीय बेटी और एक पिता दोनों बगीचा में अपने अपने काम कर रहे होते हैं। 7 वर्षीय जो बच्ची है वो अपना पौधों से, गार्डन में अपने पौधों से खेल रही होती है, कुछ कर रही होती है। और पिता जो है नया नया गाड़ी खरीदे हुए हैं, मोटर कार खरीदे हुए हैं, उसकी सर सफाई में वो लगे हुए हैं, सफाई कर रहे हैं मोटर कार की। तभी क्या होता है, अचानक बच्ची एक पत्थर उठा के कुछ गाड़ी पर लिख रही होती है। तभी बाप का जो पिता है उनका नज़र पड़ जाता है कि लड़की हमारी जो है उस पर कुछ लिख रही है। नया नया गाड़ी था, उन्होंने क्या किया, जो वाइपर से साफ कर रहे थे गाड़ी को, उन्होंने उस पर फेंका, बच्ची पर फेंक दिया, अपने ही बच्ची पर फेंक दिया, जिससे क्या, वो बच्ची के नाक पर चोट लग गई और नाक से ब्लडिंग आना शुरू हो गया, खून बहना शुरू हो गया। पिता ने गोद में उठाया अपने बच्ची को और भागते भागते हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। रास्ते में मलाल उनको दुख होता है कि क्यों मैं अपने बच्ची को मार दिया, क्यों मार दिया, ऐसा उनको मलाल होता है। फिर भी वो उठाकर गोद में ले जाकर बच्ची को अपना ट्रीटमेंट कराते हैं वहां पर, और उस पछतावे के साथ दवा दारू करा कर उसको वापस लेकर आते हैं, जो ट्रीटमेंट होती है करा देते हैं और करा कर वो वापस आते हैं। और काफ़ी उनको पछतावा होता है कि अरे आज मैंने क्या किया, बच्ची को अपने मार दिया, मैंने ये सही नहीं किया। फिर जैसे ही अगला दिन होता है, वो पार्क में जाते हैं जहाँ पर वो गाड़ी खड़ी रहती है, जहाँ वो सफाई कर रहे थे। तो आखिर उन्होंने जिज्ञासा जागा कि आखिर बच्ची ने कितना स्क्रैच किया है, चलो क्या लिखा है उस पर जाकर देखते हैं। तो जैसे उस जहाँ वो बच्ची कुछ लिख रही थी वहाँ पर वो पहुँचता है, पिता पहुँचता है तो देखता है वहाँ पर वो बच्ची स्क्रैच से उस गाड़ी पर यही लिख रही थी कि पापा आई लव यू। जैसे इस चीज़ को पिता पढ़ता है और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है और मलाल ये करने लगता है कि यार क्यों मैंने अपने बच्ची को मारा इस छोटे से गलती के लिए, भूल के लिए। और काफ़ी वो पछताता है, उसके दिल और भारी हो जाता है, वो रोने लगता है अपने गलती पर। काफ़ी उसको पछतावा होता है कि मैंने अपने बच्ची को क्यों मारा इस छोटी सी गलती के लिए, जबकि वो मुझे ये बता रही है कि पापा मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, वो 7 वर्षीय बच्ची जो है। तो उनको काफ़ी मलाल होते हैं। तो बच्चे ऐसे होते हैं, करते हैं, उनको नहीं पता कि ये नया चीज़ है, नई गाड़ी है, स्क्रैच लग जाएगी, क्या हो जाएगी। बच्चे क्रिकेट खेलने में घर के शीशा तोड़ देते हैं, बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने मम्मी के चाय में मोबाइल डाल देते हैं, बच्चे ऐसे होते हैं घर के जो वॉल वॉच होता है, घड़ी होता है, दीवार घड़ी होता है, उसको फुटबॉल के समान उड़ा देते हैं। तो बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ शरारत करते ही रहते हैं, लेकिन इनकी छोटी छोटी शरारतों के लिए उनको इस तरह का पनिशमेंट करना, चला कर मार देना, वाइपर चला के मार देना, डंडे चला के मार देना, ये ठीक नहीं है। अपने क्रोध को रखना चाहिए, क्रोध को शांत करके रखना चाहिए। इस छोटी छोटी बातों में क्रोध नहीं है, क्योंकि असली चीज़ हमारे औलाद ही है, असली संपत्ति हमारे औलाद है, वो ठीक है तो हम हैं। गाड़ी क्या है, नया आ जाएगी, कुछ और उसकी मरम्मत करवा लेंगे, लेकिन बच्चों को जो डैमेज हुआ, आपको पछतावा हुआ, मलाल हुआ, वो ठीक नहीं है। तो अपने एंगर को हमेशा मैनेज करके रखना चाहिए, खासकर अपने बच्चों के पीछे जो छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं। तो इसीलिए अपने क्रोध को मैनेज करें। धन्यवाद। आशा करता हूँ ये कहानी आपको हृदय स्पर्शी लगी होगी, अच्छा लगा होगा। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।